और जब मलाई पूरी खा ली है और अब इलेक्शन आ गया तो दोनों ने अपने अपनी राह पकड़ ली, लेकिन जनता जान चुकी है अब की बार हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर सरकार बनने जा रही है। जो हरियाणा हुड्डा साहब के टाइम नंबर वन था, आज वो बेरोजगारी में देश के अंदर नंबर वन है। जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनवाई, लड़कियों के लिए कॉलेज यहाँ पर हुड्डा साहब ने बनवाया। आज युवा जो है वो परेशान है, हताश है, उसको कहीं भी सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही। NSUI के पूर्व अध्यक्ष रहे और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद सहवाग ने दावा किया कि जिस तरह से पूरे देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने लूट खसोट कर रखी है, इसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इस देश और प्रदेश के लिए नासूर बन गई है। आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस भ्रष्टाचार और इस लूट को मुद्दा बनाएगी, तथा जनता को भी समझ में आ गया है कि झूठ और लूट की इस दुकान पर अब ताला लगाने का समय आ गया है। प्रमोद सहवाग ने जगत महान न्यूज से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि जींद नगर परिषद हो या CM विंडो या दूसरे महकमे, सबके सब लूट की दुकान बने हुए हैं। जनता त्रस्त है, विधायक मस्त है, आम आदमी केवल और केवल अब कांग्रेस की ओर निहार रहा है तथा इस भाजपा को चलता करने का इंतजार कर रहा है। जींद से तेजवीर सिंह के साथ सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। 2024 चुनाव को लेकर मिशन के नाम से तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। एक तरह से मैं ये कहूं कि बाहें संभाली हैं, एक दूसरे के खिलाफ पिच बिछ चुकी है, बैटिंग बॉलिंग जारी है। और इसी कड़ी में जगत महान तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के पास जाके उनके विचार और उनके विजन जानने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में आज हम जींद हैं और प्रमोद सुहाग जो प्रत्याशी भी रहे हैं कांग्रेस के और बहुत ही युवा नेता हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। प्रमोद भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रमोद, मिशन 2024 के नाम से राजनीतिक गतिविधियां एकदम मतलब पारा बढ़ गया, एक तरह से मैं कहूँ जून में गर्मी ऊपर से राजनीतिक गर्मी, तो क्या माहौल लगता है आपको 2024 में? माहौल पूरा हरियाणा के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस के प्रति है। आज महंगाई से हर व्यक्ति दुखी है, गरीब व्यक्ति को खाने के लिए सिलेंडर के 1150 रुपये देने पड़ते हैं, जो 400 रुपये कांग्रेस के टाइम में इतने BJP हल्ला करती थी, इतनी महंगाई है। आज टमाटर के भाव ये कह रहे थे अभी सारी जगह पे आया हुआ था कि तेल से भी ज़्यादा हो गया, पेट्रोल की कीमतों को भी टमाटर ने पिछाड़ दिया है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा मुद्दा है। आज आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, मैं जींद की बात करता हूँ, तो तहसील में आप चले जाओ, 400 रुपये गज की रजिस्ट्री का यहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं। नगर परिषद में प्रॉपर्टी ID के नाम पर लूट मची हुई है। तीसरी जो बात है बेरोजगारी, आज युवा जो है वो परेशान है, हताश है, उसको कहीं भी सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही। जो हरियाणा हुड्डा साहब के टाइम नंबर वन था, आज वो बेरोजगारी में देश के अंदर नंबर वन है। हमारे जींद शहर में IELTS कोचिंग सेंटर एक साल पहले तक एक भी उसका ऑफिस नहीं होता था, आज पूरे जिले में 86 दफ्तर यहाँ पर खुल गए हैं। ये बेरोजगारी कालम है कि माँ बाप को अपनी जमीन जायदाद बेचकर बच्चों को विदेश में भेजना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी, आप सरकारी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं है। तो ये हाल BJP ने लोगों का कर रखा है। आपने कहा जैसे ये सारे मुद्दे, ये 2014 में BJP की सरकार बनी, 19 में फिर आ गई, कांग्रेस उन चीजों का मुकाबला नहीं कर पाई, आपकी जो बात है, और यही मुद्दे फिर आपके सामने हैं, तो कांग्रेस BJP के मतलब विरुद्ध क्या ऐसी चीज लेके आई, कौन सा ऐसा विजन पेश करे कि आपको वोट दें लोग? विजन ही विजन है। हमने आपको बताया कि हुड्डा साहब के टाइम में पूरे हरियाणा के अंदर जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनी, रोहतक के अंदर IIM रोहतक के अंदर बना, बाड़शा जो मेडिकल एम्स का जो मेडिकल है वो आया, फरीदाबाद में जो है यूनिवर्सिटी बनी, टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी होती, इंजीनियरिंग कॉलेज होता था उसको यूनिवर्सिटी बनाई गई, डिफेंस यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब जो है गुड़गांव के अंदर लेके आए, निफ्ट जो है वो कुरुक्षेत्रा में आया, कितने सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, सिरसा के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी उसको बढ़ा गया, तो हर जगह पे खानपुर चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी में BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे सर छोटू राम जी के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाया गया, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में बनाया गया, तो ऐसे बहुत सारे काम है। बिजली के थर्मल प्लांट हरियाणा के अंदर लगाए गए, सड़कों का जाल बिछाया गया, युवाओं को रोजगार दिया गया,
आज कहाँ पे है? दस आज साल खूब काम किया आप, गिना रहे हो तो 10 साल अगर सरकार रही तो जींद में एक भी इंडस्ट्री नहीं आई। आज फिर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। जींद के अंदर, यदि मैं आपको जींद के अंदर की बात करता हूँ, तो जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनवाई, लड़कियों के लिए कॉलेज यहाँ पर हुड्डा साहब ने बनवाया, खेल का नया स्टेडियम बनवाया, हुड्डा के सेक्टरों में बोरवेल का पानी आता था उसके लिए नहरी पानी का प्रबंध हुड्डा साहब के टाइम पे हुआ, यहाँ पर पशु अस्पताल बनाया, जो हॉस्पिटल है जो हमारा जींद का सबसे बड़ा, उसको 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड का यहाँ किया गया, जितने रोड हैं जींद को जो कनेक्ट करते हैं उन रोडों को जींद की सीमा तक, शहर की जो सीमा है वहां तक उसको 4 लेन किया गया, तमाम इन कामों को छोड़कर आज बीजेपी अपने जींद के अंदर काम गिनवाए। इन्होंने इतना यहाँ पर पूरे शहर में भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनवाई, आज तक 23 उसमें फैकल्टी में 18 में तो परमानेंट प्रोफेसर नहीं है, 10 साल के अंदर ये प्रोफेसर ये नहीं लेके आए, कर्मचारी इन्होंने अपॉइंट नहीं किए, जो लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया उसमें यहाँ पर लेक्चरर नहीं है, जो हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया जींद के अंदर, जो जींद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें आधी की संख्या में भी डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है, छोटे छोटे कामों के लिए लैब की हर रोज अखबार में आती है कि 4-4 बजे तक लोग टेस्टों के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, तो ये हाल इन लोगों ने जींद शहर का कर दिया है। हर आदमी को स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं अगर हरियाणा की बात करूं, बीजेपी का और जजपा का पिछले 4 साल से गठन, अब उन्होंने चुनाव की तैयारी कर दी, दोनों लोग अलग अलग मंच पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस और प्रमोद इसको किस नजर से देखते हैं? इस नजर से देखते हैं कि ये गठबंधन ही था, ठग बंधन था, और दोनों ने इस हरियाणा प्रदेश को लूटा है, और जब मलाई पूरी खाली है और अब इलेक्शन आ गया तो दोनों ने अपने अपनी राह पकड़ ली, लेकिन जनता जान चुकी है अब की बार हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर सरकार बनने जा रही है, ये लोगों ने फैसला कर लिया है। जींद अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस सूखी सूखी सी रही है, कांग्रेस जी, तो इस बार प्रमोद की क्या तैयारी है या एनीवे कोई भी? सभी की तैयारी है, मुझे लगता है कि पांचों की पांचों सीटें हम जींद के अंदर जीतने जा रहे हैं, जितना भ्रष्टाचार जींद के अंदर हुआ है और जींद को पिछाड़ने में इन लोगों ने कभी कसर नहीं छोड़ी, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो। इनेलो में जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो नरवाना से वो होते थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, आज हरियाणा प्रदेश का डिप्टी सीएम जो है वो उचाणा से जींद डिस्ट्रिक्ट से आता है, लेकिन जब जींद में काम गिनाने की बारी आती है तो उनके पास कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं, जींद से वोटे लेने का इन्होंने सदा काम किया है, लेकिन आज हम जब कहीं भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल पूरा बदलाव आ चुका है। 20 जून को मैंने रैली कराई थी जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी को बुलाया था, हजारों हजारों की संख्या में लोगों ने आकर उस रैली में, जो बिल्कुल तपती जिसमें लू चल रही थी उस रैली में आकर ये समर्थन दिया, इस बात का विश्वास है कि पांचों की पांचों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। प्रमोद अभी आपके प्रभारी नए बदले हैं, प्रभारी ने एक बैठक ली, वहाँ राजनीतिक अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोगों में एक ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति, मैं चाहूंगी आप एक डेलीगेट्स भी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, एक भ्रम की स्थिति बन गई है, शैलजा अलग कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा अलग कर रहे हैं, आप तो उनके समर्थक हैं उन्हीं की बात करेंगे, रणदीप सुरजेवाला अलग है, तो किस तरह का मैसेज जाए, आप ये थोड़ा मुझे क्लियर करें। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम भी उसी मीटिंग में थे, ये होता है कि भाई कोई जोश में किसी के नारे लगा दे वो एक अलग बात है, लेकिन उस मीटिंग में ये बात बिल्कुल सामने आई थी कि जो सवाल है उनको किस तरह से बात किया जाए, किस तरह से हमारा संगठन खड़ा किया जाए, और आने वाले समय में जो कांग्रेस की तैयारी है उसको ग्राउंड तक कैसे ले जाए, इस बारे में विस्तृत जो तौर पर जो प्रभारी है उन्होंने सबसे बात भी की, फीडबैक भी लिया, और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े ताकत के रूप में कांग्रेस प्रदर्शन भी करेगी, रैलियां भी करेगी और हल्के वाइज भी करेगी, जिससे जन समर्थन कांग्रेस को व्यापक मिल सके। आखिरी प्रमोद का क्या संदेश होगा अपने मतदाताओं के और अपने जींद की जनता के लिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस भ्रष्ट सरकार को आप हटाइए, जो यहाँ पर इनके नेताओं ने जो लूटपाट मचा रखी है, जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसके विरोध में आप हमारे साथ खड़े होइए, जो आपकी जेबों से पैसे निकालने का काम करते हैं, चाहे रजिस्ट्री हो चाहे नगर परिषद हो, इन पर जो है, जो हम इन पर बार बार कहते हैं कि भाई 400 रुपये गज की आप रिश्वत लेते हो, ये किसकी जेब में पैसा जा रहा है सारी जनता जानती है,
तो आप कांग्रेस का साथ दिए, कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम आपसे वादा करते हैं आपको भ्रष्ट मुक्त सरकार कांग्रेस पार्टी आपको देगी। बिल्कुल ठीक कहा प्रमोद ने, लगातार ये भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनके वायदे और इनकी बातों पर कितना भरोसा करती है, और तीसरी बार भूपेंद्र हुड्डा सिंह को ये चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं ये तो मतदाता ही तय करेंगे। समय समय पर जगत महान इन सवालों को लेकर क्षेत्र में लोगों के पास जाते रहते हैं। जगत महान से जींद से तेजवीर के साथ सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।